दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हाल फिलहाल में रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं और हर एक शिफ्ट के अंदर आपको पजल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज की शिफ्ट में भी, कल के शिफ्ट में भी मंजिल वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, पजल में मंजिल वाले। हालांकि हमारे पास जब भी मंजिल वाला क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान तरीका होता है, बस हमें पता होना चाहिए किस तरह से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन को देख लें, ये हमारे पास हिंदी में क्वेश्चन है और इंग्लिश वाले एक बार इसको देख लें और वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले हमारे पास जब भी पजल का क्वेश्चन आएगा मंजिल वाला, तो याद रखना हमेशा कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी पोजिशन को फिक्स कर रखा होगा कि तीसरी मंजिल पर बैठा है, चौथी मंजिल पर। तो पजल वाले क्वेश्चन में एक बार पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू करो, मतलब एक बार पूरे क्वेश्चन को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ें। एक ना एक व्यक्ति जरूर ऐसा निकल कर आएगा जिसकी पोजीशन जो है फिक्स दे रखी होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि हमारे पास राजू और दिनेश की मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, जो रिया की मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पर रहता है। ठीक है, जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है। हमें अभी भी पता नहीं लगा, लेकिन जैसे ही हम आगे आएंगे, कह रहा है राजू तीसरे नंबर की मंजिल पर रहता है। हमारा क्वेश्चन कहां पहुंच गया, सीधा राजू तीसरे नंबर की मंजिल पर रहता है। अब हमें क्या देखना है, राजू की पोजीशन तो हमें पता लग गई, अब हमें राजू के इर्द गिर्द घूमना है। जहां जहां पर राजू की बात आई है उसे पकड़ ले। एक तो हमारे पास राजू तीसरी मंजिल पर रहता है, इसके बाद कह रहा था राजू और दिनेश की मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, और राजू की कहीं बात हुई है, ये रही, राजू और हेमा की मंजिल के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। हमारे पास राजू को हमने पकड़कर ये 3 मंजिल के लोगों को पकड़ लिया, मतलब राजू की फिक्स है, राजू के ऊपर नीचे कौन कौन है सबको देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। हमारे पास जब भी पजल का क्वेश्चन बनता है मंजिल वाला, तो इसके अंदर 2 केस बना लो, 2 से 3 केसेस बनेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास इसके अंदर एक चीज और ऐड कर रखी है कि हमारे पास इस इमारत में 8 व्यक्ति रहते हैं, जहां सबसे निचले तल संख्या 1 है, मतलब कि सबसे नीचे वाली मंजिल 1 है, इसके ऊपर दूसरी मंजिल है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से 8वीं मंजिल तक हम जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, फिक्स है। एक तो हमारे पास मंजिल फिक्स है, इसके साथ ही हमारे पास राजू की पोजीशन फिक्स है। अब क्वेश्चन को देखें, हमने ये चार्ट बना लिया कि हमारे पास मंजिल नीचे से ऊपर जा रही है, हमारे पास केस बनेंगे 2। सबसे पहले केस में मैंने लिखा राजू कौन से स्थान पर बैठा है, बच्चा राजू बैठा है तीसरी मंजिल पर। तो मैंने कहा तीसरी मंजिल पर हमारे पास राजू बैठ गया। भाई यहां पर भी तीसरी मंजिल पर राजू बैठ गया केस 1 में, और केस 2 में भी तीसरी मंजिल पर राजू बैठ गया। अब और राजू कहां पर है, राजू को और हमने कहां पर देखा है, कह रहा है राजू और दिनेश के मंजिल के बीच केवल 1 व्यक्ति है। अगर राजू और दिनेश की बात करूं, मैंने कहा अगर राजू यहां पर बैठा है तो इसके बीच 1 व्यक्ति को छोड़ दो, और यहां पर कौन बैठ जाएगा, मेरा बैठ जाएगा दिनेश। भाई राजू और दिनेश के बीच केवल 1 ही व्यक्ति तो है, मैंने कहा राजू यहां बिठाया, इनके बीच 1 व्यक्ति छोड़ा दिनेश यहां पर। अगर मैंने नीचे की तरफ गया, हो सकता है दिनेश ऊपर बैठा हो, तो राजू तो फिक्स बैठा है, हो सकता है यहां पर 1 व्यक्ति को हमने छोड़ा और यहां पर मेरा कौन बैठा है, दिनेश बैठा हुआ है। भाई राजू की फिक्स है, बाकी हम ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। आगे मैंने देखा और राजू की बात कहां पर हो रही है, बच्चा आप कहोगे सर राजू और हेमा की मंजिल के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। राजू तो फिक्स है, लेकिन राजू और हेमा की मंजिल के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब राजू के नीचे 1-2 व्यक्तियों के बाद हेमा, जगह ही नहीं है, ऊपर जाएंगे 1-2, और यहां पर कौन बैठ जाएगी, हमारी हेमा बैठ जाएगी। भाई राजू और हेमा के बीच 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं, मैंने कहा भैया राजू अगर यहां पर है, नीचे तो हेमा बैठ ही नहीं सकती, 1 और 2, ऊपर जाकर यहां पर कहीं हेमा बैठ सकती है, ठीक है। अब मैंने कहा अब चलते हैं आगे। अब मैं जब पहुंचा, हमारे पास अब कौन कौन बैठ चुका है, हमारे पास हेमा, राजू, दिनेश। अब मैंने कहा भैया राजू से रिलेटेड तो बातें खत्म हो गई, अब देखते हैं हेमा कहां पर दे रखी है। अब मैंने देखा यहां पर अगर मैं हेमा को पकड़ने लगूं, तो हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है पूरा पूरा, जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक नीचे बिंदु है। भाई जिस मंजिल पर हमारे पास किरण रहती है उसके ठीक नीचे बिंदु है, यह तो अलग बात है कि हमारे पास किरण और बिंदु एक साथ ऊपर नीचे बैठेंगी, लेकिन और कहां पर दिया हुआ है, हेमा के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो आप देखोगे राजू तीसरी मंजिल पर रहता है, रिया, रिया और उमा की बात हुई है, ठीक है।
रिया और उमा की मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, और रिया जो है उमा के ऊपर वाली मंजिल पर रहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर रिया और उमा की मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति है, मैंने कहा अगर मैं गलती से यहां पर रिया को बिठाता हूं तो यहां पर हमारे पास एक व्यक्ति खाली होके यहां पर कौन बैठ सकता है, कह रहा है रिया और मेरे पास उमा के बीच में एक व्यक्ति है। अगर रिया को यहां बिठाऊंगा तो उमा को यहां बिठाना पड़ेगा, पॉसिबल है? नहीं, यहां तो हेमा हमने बिठा दी, मतलब रिया यहां पर नहीं बैठेगी। मैंने कहा अगर रिया को यहां पर बिठाता हूं तो मेरे पास यहां उमा बैठ सकती है, जी सर बिल्कुल बैठ सकती है, तो हम यहां पर बिठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर कह रहा है अगर रिया यहां पर बैठेगी तो मेरे पास उमा यहां बैठ सकती है, तो मैंने क्या करा, रिया को यहां पर बिठाया, इनके बीच एक व्यक्ति और यहां पर कौन बैठ गया, उमा बैठ गई। सर यहां पर क्यों नहीं बिठाया? बच्चा अगर आप नोट करोगे यहां पर एक चीज और है, किरण और बिंदु जो है एक साथ बैठे हुए हैं। अगर मैं यहां पर नोट करूंगा तो मेरे पास केवल एक यही जगह ऐसी बची है जहां पर किरण और बिंदु को एक साथ बिठा सकता हूं, वरना नहीं बिठा सकता। अगर इधर की साइड में आता हूं तो यहां पर एक चीज और कह रखी है कि मेरे पास यहां पर, भाई एक चीज देखना, यहां पर एक चीज और दे रखी है, मेरे पास राजू और दिनेश की मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति है जो रिया के मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पर है। मतलब हमें पता लग गया हमारे पास जो रिया आएगी वो दिनेश से ऊपर ही कहीं बैठ सकती है। अगर दिनेश से ऊपर बिठाऊंगा रिया को, या तो यहां बैठ सकती है या फिर यहां बैठ सकती है। अगर रिया को यहां बिठाऊंगा तो इसके नीचे एक मंजिल छोड़कर यहां पर उमा को बिठाना पड़ता, पॉसिबल है? नहीं सर। अगर रिया को यहां बिठाऊंगा तो एक मंजिल छोड़कर यहां पर उमा बिठाऊंगा, पॉसिबल है? नहीं सर। मतलब केस टू तो हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रिया और उमा के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, लेकिन यहां पर उमा की तो जगह ही नहीं है, तो हमारे पास केस सेकंड तो क्या हो जाएगा, गलत। मैंने कहा केस सेकंड को आप रब कर सकते हैं, केस सेकंड से हमारे पास कुछ भी नहीं निकल कर आने वाला। एक बार मैंने रब कर दिया, उससे पहले चेक कर लेना। अब मेरे पास, मैंने कहा हमारे पास किरण और बिंदु जो हैं ऊपर नीचे बैठी हैं, मतलब दो एक साथ कहां बैठ सकती हैं? सर किरण यहां पर बैठ सकती है और बिंदु मेरे पास यहां पर बैठ सकती है। केवल एक ही ये स्थान है जहां पर ये दोनों एक साथ ऊपर नीचे बैठ सकती हैं। बचा कौन मेरे पास? मेरे पास बच गया है अभी, तो अभी को मैंने बिठा लिया यहां पर। समझ आई? भाई मैंने रिया को यहां पर क्यों नहीं बिठाया? अगर मैं गलती से यहां पर रिया को बिठा देता तो इसके नीचे एक व्यक्ति छोड़कर यहां पर मुझे किसे बिठाना पड़ता? उमा को। अगर मैं यहां पर रिया बिठाता, यहां उमा, तो मैं किरण और बिंदु को कभी एक साथ बिठा ही नहीं सकता था। इस चीज का ध्यान रख लेना, ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब हमारे पास चीजें आ गई कि भैया पहली मंजिल पर दिनेश है, दूसरी पर उमा, तीसरी पर राजू, चौथी पर रिया, पांचवी पर अभी, छठी पर हेमा, सातवीं पर बिंदु, आठवीं पर किरण। क्वेश्चन क्या से आएगा? क्वेश्चन आएगा पांचवें स्थान पर या पांचवी मंजिल पर कौन बैठा है। तो आप देखोगे हमारे पास अगर पूछता है कि पांचवी मंजिल पर, भाई पांचवी मंजिल पर कौन बैठा है, हमने चेक करा पांचवी मंजिल पर अभिषेक बैठा है, तो राइट आंसर क्या आ जाता, पांचवी मंजिल पर अभिषेक बैठा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहेगा कि चौथी मंजिल पर, स्थान नहीं है यहां पर लिख लो, चौथी मंजिल पर कौन बैठा है। तो चौथी मंजिल पर आप चेक करोगे, चौथी मंजिल पर सर हमारा बैठा है, चौथी मंजिल पर कौन है, रिया, तो राइट आंसर क्या आ जाता, चौथी मंजिल पर हमारे पास रिया आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये हो जाएगा होमवर्क के लिए, हमसे पूछ रहा है ये बताओ कि मेरा हेमा के संदर्भ में, हेमा जो है उमा के संदर्भ में कितनी मंजिल ऊपर या नीचे बैठी है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, हेमा की, हेमा जो है उमा के, अगर मैं उमा से रिलेट करता हूं, उमा को देखकर देखता हूं कि हेमा कहां बैठी है तो कितने मंजिल ऊपर है या नीचे है, यह आपको किससे पता चलेगा, यहां से। हेमा को देखो, उमा को देखो कि वह कितनी मंजिल ऊपर नीचे बैठी हुई है। यह हमारे पास क्या है, आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, हेमा किसके संदर्भ में, उमा के संदर्भ में। साथ ही अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत सारी ट्रिक वाली वीडियो डाल रखी हैं, अगर आप जाओगे तो टॉप तक पर जाकर, पहले टॉप तक यूट्यूब चैनल पर जाएंगे या फिर यूट्यूब पर डायरेक्ट जाकर आप टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाकर इस तरह का पेज दिखेगा, अगर आप यहां पर टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक डालते हो तो यहां पर एक प्लेलिस्ट आएगी जिसके अंदर 22 एक वीडियो है।
इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी वीडियो है सारी की सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। याद रख लेना, अगर आपने 22 वीडियो भी देख ली ना तो ये समझ लेना आपके सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी करा रखा है, पजल भी करा रखा है, सब करा रखा है इसके अंदर। तो आप जाकर इसके अंदर जरूर देखना। साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हो उमदा लेवल की तो टॉप तक आपको डाउनलोड कर लेना। वहां पर बहुत ही प्यारा सा मैथ्स का बाप कोर्स आ रखा है जिसके लिए अभी फ्री डेमो क्लासेस चल रही हैं। तो सारे के सारे उन डेमो क्लासेस को भी देखें और इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है तो अभी जाकर एनरोल कर लें। साथ ही हमारे पास आप देख सकते हैं मैथ का क्रैश कोर्स जिसमें से पूरा का पूरा पेपर फंस रहा है रेलवे का, तो मैथ का क्रैश कोर्स ले लें फ्री, आपको इसमें एक्सपेक्टेड पेपर बैच मिलेगा और आप जाकर यहां पर ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। और यह आपका रीजनिंग का एकदम बिल्कुल ही फ्री ही समझ लो 299 का बैच है और एक्सपेक्टेड पेपर बैच चल रहा है रीजनिंग का केवल 99 रुपए का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी और इसका आंसर सारे के सारे जरूर देना। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। और सबसे जरूरी बात, जाने से पहले फिर से आप सारे के सारे मेरे भाई प्ले लिस्ट को जरूर देख लेना। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव सभी को।